गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन सिस्टम पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो आज हम लोग सीखेंगे। नंबर लाइन सिस्टम कैसा होता है? ये नंबर लाइन सिस्टम है जिसमें बीच में जीरो होता है और अपने राइट हैंड साइड तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलता है, जैसे प्लस वन टू थ्री फोर, ऐसे डॉट 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 करते हुए आगे नंबर बढ़ रही है। और इस तरफ चलते हैं तो नेगेटिव नंबर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर और बहुत से नंबर, इनफाइनाइट नंबर की सीरीज होती है। तो ये नंबर लाइन सिस्टम है। इसी नंबर लाइन सिस्टम पर हमें जो दिया गया रेशनल नंबर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो एग्जांपल के थ्रू हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट माइनस फोर अपन फाइव ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन सिस्टम पे माइनस फोर अपन फाइव को रिप्रेजेंट करना है। तो माइनस नंबर माइनस में दिया गया है तो इसका मतलब हो गया कि नंबर लाइन जो सिस्टम है उसमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमको चलना है और माइनस फोर अपन फाइव, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे माइनस फोर अपन फाइव, तो माइनस फोर अपन फाइव के लिए हमको ये जो नंबर लाइन सिस्टम है ये यहाँ पर जीरो है और इस तरफ चलते हैं तो जैसे प्लस वन यहाँ पर है और उसी तरह यहाँ से माइनस वन यहाँ पर है। तो माइनस वन, अब जीरो से माइनस वन के बीच में हमको, सिंस जो नंबर हमारा है माइनस फोर अपन फाइव, तो नीचे डिनोमिनेटर में फाइव दिया है तो फाइव डिवीज़न करना है। तो जीरो से वन टू थ्री फोर फाइव डिवीज़न हो गया, तो माइनस वन यहाँ लाना है। तो फाइव के आर्डर में, माइनस फाइव के आर्डर में माइनस वन कैसे लिखा जाएगा? तो माइनस फाइव अपन फाइव कर देते हैं तो कटकर माइनस वन हो जाता है। तो ये हमारा माइनस वन है तो माइनस वन को माइनस फाइव अपन फाइव कर दिया गया है। अब जीरो है, जीरो से पहला खाना जो है इसको पाँच भागों में डिवाइड किया गया है। द नंबर जीरो टू माइनस वन आर डिविजिबल इन फाइव पार्ट्स, फाइव पार्ट में डिवाइड किया गया है। जीरो से यहाँ पर जो पहला स्टेप है पांच खाना में, जब पांच डिवीजन में डिवाइड किया गया है तो पहला जो होगा तो पांच में से माइनस वन बाई फाइव पार्ट होगा। पांच का माइनस वन बाई फाइव वहाँ पार्ट ये होगा, क्योंकि पूरा फाइव है तो फाइव में से एक पार्ट लिया गया है तो माइनस वन अपन फाइव हो जाएगा। फिर सेकेंड पर जब चलते हैं तो यहाँ से यहाँ पाँच है टोटल, फाइव डिवाइड किया गया है तो फाइव डिवीजन में से दो डिवीज़न हम ले लिए तो यानी माइनस टू अपन फाइव ये होगा। अब तीसरे पे चलते हैं तो फाइव डिवीज़न में से थ्री पार्ट हमने कलेक्ट कर लिया तो ये हो गया माइनस थ्री अपन फाइव। इसी तरह इस पर जब चलते हैं तो माइनस फोर अपन फाइव ये मिल जाता है। तो ये नंबर हमारा जो है माइनस फोर अपन फाइव इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाता है। माइनस फोर अपन फाइव को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए और एग्जाम्पल से इसको और समझते हैं। जैसे दिया हुआ नंबर है थ्री अपान एट माइनस वन अपान एट और फाइव अपान एट, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये नंबर हमारा बीच में कहीं जीरो ले लेते हैं और जैसे पहला नंबर हमारा है थ्री अपान एट, तो थ्री अपान एट को रिप्रेजेंट करना है तो इसका मतलब है जीरो से वन कहीं यहाँ पर ले लेते हैं, वन है तो वन को हमें एट के फॉर्म में लिखना है। थ्री अपान एट यानी एट एट पार्ट में डिवाइड करना है, तो वन को एट पार्ट में जब डिवाइड किया गया तो ये एट अपान एट लिख सकते हैं। तो एट अपान एट मीन्स वन, ये वन ही है तो इसका एट पार्ट लिया गया है तो एट पार्ट कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हमारा एट पार्ट हो गया। अब एट पार्ट में से हमें थ्री अपान एट है, थ्री पार्ट लेना है तो थ्री लेने के लिए यहाँ से वन टू थ्री, तो ये जो नंबर होगा ये हो जाएगा थ्री अपान एट। ये कौन सा नंबर होगा? ये टू अपान एट, ये वन अपान एट, ये फोर अपान एट, ये फाइव अपान एट, ये सिक्स अपान एट, ये सेवन अपान एट, ये एट अपान एट। तो इस तरीके से थ्री अपान एट को रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर। इसके बाद नंबर है माइनस वन अपान एट, तो जीरो से इस तरफ चलते हैं ये कहीं माइनस वन है तो माइनस वन अपान एट, एट के पार्ट में इसको करना है, एट के डिनोमिनेटर के टर्म में, तो इसको भी लिख सकते हैं माइनस एट अपान एट कर लेते हैं तो ये कटकर माइनस वन मिल जाता है। तो यानी एट पार्ट में इसको भी डिवाइड करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट,
एट पार्ट में डिवाइड हो गया तो वन अपान एट, तो ये जो पहला नंबर होगा ये वन अपान एट होगा, माइनस वन अपान एट। इस तरफ चलते हैं, जो भी नंबर है सब माइनस में, माइनस वन अपान एट, ये नंबर हो जाएगा माइनस टू अपान एट, ये जो नंबर है माइनस थ्री अपान एट, ये नंबर माइनस फोर अपान एट, ये नंबर माइनस फाइव अपान एट, इस तरीके से बढ़ते हुए माइनस एट अपान एट ये नंबर मिल जाता है। अब नेक्स्ट है फाइव अपान एट, तो फाइव अपान एट ये पहले से हमारे पास बना हुआ है, जीरो से एट में एट अपान एट ये नंबर है, और जैसे पहला नंबर क्या हो जाएगा एट पार्ट में डिवाइड किया गया है, जीरो से वन, यहाँ एक पहुँचे हैं, पहला नंबर वन है, प्लस वन है, तो वन को ही एट पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो पहला जो नंबर होगा ये नंबर जो हमारा मिल रहा है वो वन अपान एट, ये जो नंबर है टू अपान एट, ये पहले से थ्री अपान एट, फोर अपान एट, फाइव अपान एट, फाइव अपान एट ही हमको चाहिए, तो ये जो नंबर होगा ये फाइव अपान एट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फाइव अपान एट, ये जो नंबर है फाइव अपान एट। इस तरीके से कोई भी नंबर दिया गया उसको नंबर सिस्टम पर, नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम लोग सीखें। और भी नंबर इसमें है, बहुत से नंबर है, तो किसी भी नंबर को इसी मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।